सतनामी समाज के तीर्थ स्थल एवं सतनाम धर्म प्रवर्तक संत शिरोमणि गुरु घासीदास बाबा के जन्म स्थली गिरौदपुरी में असामाजिक तत्वों के द्वारा सतनामी समाज के आस्था सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया है। गिरौदपुरी धाम में अमर गुफा कहलाने वाला स्थल में जोड़ा जैत खाम को कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा काट कर फेंक दिया गया है और मंदिर में लगे गेट को भी तोड़ कर फेंक दिया गया है, जिसको लेकर सतनाम समाज के जगतगुरु सतनाम एवं पूर्व मंत्री रुद्र कुमार ने प्रेस वार्ता किया, जिसमें उन्होंने कहा कि गिरौदपुरी में हुई घटना सतनामी समाज के आस्था के साथ खिलवाड़ है। जगतगुरु ने कहा कि गिरौदपुरी में समाज के द्वारा 11 लोगों की जांच कमेटी बनाई जाएगी। वहीं भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार के संरक्षण में आपराधिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अब तक आरोपी को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि अगर आरोपियों पर जल्द ही कार्रवाई नहीं होगी तो आगे सतनामी समाज देश में सभी जगहों पर इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। सबसे पहले मेरा समिति बिना जगत गुरु जी के परमिशन के उसके साथ छेड़छाड़ नहीं हो सकती, उसका राजनीतिकरण नहीं, भाजपा सरकार ने किया। उसके बाद मेला शुरू होने से पहले समिति के द्वारा बैठक नहीं लेना चाहिए, तो अपने आप में एक साजिश भाजपा सरकार के साथ समाज के खिलाफ। और अब गिरौदपुरी में जैतखाम का आरी से काटना, क्योंकि अलग से समझ में आ रहा है कि उस पर आरी में काटा गया, तो भी अपने आप में एक शर्मा नहीं हुई है। मैंने एसपी से कल भी बात की, आज भी बात की, कलेक्टर से भी मैंने बात की और उनको भी मैंने कहा है कि अगर आप अतिशीघ्र गिरफ्तारी नहीं करते हैं तो मैं समाज को कब तक रोक पाऊंगा, ये मेरी वजह से कहना संभव नहीं। हमने जैसे कहा कि न जब से न भाजपा की न सरकार बनी है, निरंतर गिरौदपुरी के साथ और समाज की न भावनाओं के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। और गिरौदपुरी जो हमारे समाज का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है, जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान से मतलब मेला के समय ही 22 से 23 लाख दर्शनार्थी आते हैं, ऑन रिकॉर्ड है ये। और ऐसे जगह पे इतनी बड़ी घटना घटना, हमारे में जैतखाम का मतलब होता है परम पूज्य गुरु बाबा घासीदास जी का प्रतीक, और उसको ही काटना मतलब यह अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है हमारे समाज में। और छत्तीसगढ़ में सतनामी समाज की बहुलता है, और मैं इस तब भी कहना चाहूँगा कि 90 में से जो 55 विधानसभा जो मैदानी इलाके हैं, यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर सतनामी समाज का ही रहता है। और अगर जल्द से जल्द उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो समिति की रिपोर्ट आने के बाद समाज अपनी तरफ से कदम उठाएगा। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस